मूवी की शुरुआत में एक आइसक्रीम वाले को दिखाया जाता है जिसको लोग आइसक्रीम किंग के नाम से भी जानते हैं। तभी अचानक से कुछ गुंडे आते हैं और आइसक्रीम वाले को शूट करके मार डालते हैं। ग्रेगरी नाम का लड़का उस आइसक्रीम वाले को मर्डर करते हुए देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को अपना आइडल मानता था। ग्रेगरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेगरी अब बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बन गया है जो खुद को आइसक्रीम प्रिंस कहता है क्योंकि आइसक्रीम किंग के मर्डर के बाद ग्रेगरी ने उसके बिजनेस को ले लिया जो उसी के आइसक्रीम पार्लर को यूज कर रहा है। ग्रेगरी को देखकर ऐसा लगता है कि दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है। अब जब रोगर और उसके दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो उनको ग्रेगरी डरावना लगता है। फिर ये दिखाया जाता है कि ग्रेगरी अपना आइसक्रीम कीड़े मिलाकर बना रहा है जिससे पता चलता है कि ग्रेगरी एक पागल इंसान है लेकिन बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत पसंद आती है जिसे देखकर लोग उसके पास जाते हैं। लेकिन ग्रेगरी अब चाकू उठाने लगता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जब ग्रेगरी अपना ट्रक लेकर अपने रूम पर आता है तब एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है जिससे ग्रेगरी को उस डॉग पर बहुत गुस्सा आता है और वो डॉग को मार डालता है। अपने डॉग की आवाज सुनकर नर्स बटन चेक करने के लिए खिड़की पर जाती है। वहाँ पर उसे ग्रेगरी दिखाई देता है। वर्टन उसे अपने डॉग के बारे में पूछती है। वर्टन को वो झूठ कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा। तभी वर्टन को ग्रेगरी की नाक पर ब्लड यानी खून दिखाई देता है। पूछने पर ग्रेगरी बहाना बनाता है कि वह चीज उसकी आइसक्रीम की इंग्रेडिएंट है। वर्टन ग्रेगरी को अच्छे से जानती है और वो हर समय उसकी हेल्प करती रहती है। इसके बाद ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम पार्लर के पास जाता है। उस मरे हुए डॉग को एक मशीन में डालकर उसका पेस्ट बना देता है। दूसरी तरफ जोनी के पास रोगर के पेरेंट्स का फोन आता है जिससे उनको पता चलता है कि रोगर मिसिंग है। इसे जोनी की मां डर जाती है इसलिए वो जोनी को शाम के समय बाहर जाने से मना करती है। तभी देखते हैं कि ग्रेगरी सपना देख रहा होता है कि ग्रेगरी नर्स वर्टन और एक ग्राउंड को देखता है जो उसे एक हॉस्पिटल बेड पर आइसक्रीम खिला रहे है। तभी वर्टन वहाँ पर उसे जगा देती है। फिर वर्टन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रेगरी अपना आइसक्रीम पार्लर लेकर निकलता है। तभी रास्ते में उसे दो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं। दोनों उसे बताते हैं कि कल रात को पार्क से एक लड़का गायब हुआ है इसलिए अगर तुम्हें कहीं भी कुछ अजीब सा दिखाई दे तो जरूर बताना। तब ग्रेगरी उनसे मिसिंग लड़के के बारे में पूछता है। ऑफिसर कहता है कि ये बात क्लासिफाइड है। इसके बाद वो पुलिस वाला एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है। ग्रेगरी उसके लिए आइसक्रीम बनाने अंदर जाता है तो हमें वहाँ पर इंसानों का मांस और हड्डियाँ दिखाई देते हैं। इससे ग्रेगरी अपनी आइसक्रीम में मिलाकर बेचता है। ऑफिसर की आइसक्रीम में एक आग डाल देता है। जब पुलिस वाला उस आइसक्रीम को खाता है तो वो आइसक्रीम उसे बहुत टेस्टी लगती है इसलिए ऑफिसर उससे पूछता है कि आइसक्रीम इतनी टेस्टी क्यों लग रही है। तब ग्रेगरी भी कहता है कि ये बात क्लासिफाइड है। देर शाम को स्मॉल पॉल जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे उस रास्ते में ग्रेगरी मिल जाता है। ग्रेगरी स्मॉल पॉल से आइसक्रीम खाने के बारे में पूछता है। तब स्मॉल पॉल उसे मना कर देता है। तब ग्रेगरी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और स्मॉल पॉल को अपनी ओर से फ्री में आइसक्रीम देता है। तभी ग्रेगरी के ट्रक से उसका एक औजार नीचे गिर जाता है जिसमें लगे हुए खून को स्मॉल पॉल देख लेता है। उसके बाद ग्रेगरी उसे किडनैप कर लेता है लेकिन तभी स्मॉल पॉल का फ्रेंड गुजरता है जो ग्रेगरी को स्मॉल पॉल की किडनैपिंग करते हुए देख लेता है तो ग्रेगरी की नजर उस पे पड़ जाती है। इसके बाद ट्यूना अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और एक झाड़ी में जाकर छिप जाता है। तभी उसकी नजर रोगर पर पड़ती है। रोगर उसे बताता है कि ग्रेगरी ने पार्क वाले आदमी को मार दिया इसलिए मैं उससे बचने के लिए पिछली रात से यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। इसके बाद ट्यूना अपने घर आकर अपनी फैमिली को ग्रेगरी के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम और डैड झगड़ने में व्यस्त है इसलिए दोनों में से कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। इसके बाद ट्यूना अपने बेडरूम में चला जाता है। तभी उसको फॉलो करते हुए ग्रेगरी उसके घर आ जाता है लेकिन वो ट्यूना के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ट्यूना की माँ उसको शॉपिंग मॉल में चलने के लिए बोलती है। ग्रेगरी के डर की वजह से ट्यूना बाहर जाने को तैयार नहीं था फिर भी उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है। अब ट्यूना मॉल में पहुँचकर शॉपिंग करने लगता है।
तभी ग्रेगरी उसको फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। पैसे देकर ट्यूनर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद ग्रेगरी उसका पीछा करने लगता है। ट्यूनर जान बचाने के लिए एक जगह में छुप जाता है। इसके कुछ देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद ट्यूनर उन्हें बता देता है कि ग्रेगरी ने स्मॉल पॉल को किडनैप किया है। इसके कुछ देर बाद ग्रेगरी की आइस फैक्ट्री पर पुलिस पहुँच जाती है और ग्रेगरी को सर्च वारंट दिखाने के बाद आइस फैक्ट्री को चेक करने लगती है। इसी बीच आइसक्रीम किंग के मर्डर का एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि आइसक्रीम किंग किसी ड्रग से जुड़े हुए मामले में मारा गया था। साथ ही ग्रेगरी ने यहाँ पर उसकी एक फोटो भी लगा रखी थी। पुलिस वहाँ चारों तरफ तोड़फोड़ करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद नर्स बर्टन यहाँ पर आ जाती है। अब ग्रेगरी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आज तुमने यहाँ पर जो भी किया है उससे आने वाले दिनों में बच्चों की खुशी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस ऑफिसर ग्रेगरी का बर्ताव देखकर उस पर शक करने लगते हैं, इसलिए वो अपने लोगों से उस पर नजर रखने के लिए बोल देता है। पुलिस के चले जाने के बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को बाहर निकालता है, जिसको ग्रेगरी ने फैक्ट्री के नीचे छुपा कर रखा था। स्मॉल पॉल उससे डरने लगता है। तब ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद अब स्मॉल पॉल ग्रेगरी के साथ फ्रेंडली होने लगता है। तब ट्यूना, जॉनी और हैदर मिलकर ग्रेगरी की असलियत को बाहर लाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ग्रेगरी अभी भी उसी एरिया में घूम रहा होता है जिससे वहाँ के लोगों की जान खतरे में थी। अब तीनों रात को ग्रेगरी के आइसक्रीम पार्लर का पीछा करने लगते हैं। तब भी ग्रेगरी एक जगह पर अपना आइसक्रीम पार्लर रोकता है और पॉलिथीन में कुछ लेकर एक जगह के पास जाता है। ट्यूना और उसकी फ्रेंड को लगता है कि उसमें स्मॉल पॉल है, लेकिन ग्रेगरी उसमें आइसक्रीम लाया था। वो आइसक्रीम किंग की कब्र पर रखने के लिए आइसक्रीम लेकर आया, क्योंकि वो आइसक्रीम किंग को बहुत ज्यादा पसंद करता था, वो उसका आइडल था। इसके बाद ग्रेगरी यहाँ से निकलता है, अपने घर के पास अपना ट्रक रोक कर घर जाता है, लेकिन ट्यूना अभी भी उसके पीछे था। इसके बाद हैदर ग्रेगरी के ट्रक में जाकर बाकी फोटो लेने लगती है, जहाँ पर उसे कई जगह पर खून के निशान दिखाई देते हैं। सुबह होने पर हैदर खींची हुई फोटो को डेवलप करवाने के लिए शॉप पर जाती है, लेकिन फोटो डेवलप होने में टाइम लगने लगता है, इसलिए वो कैमरे की फिल्म को वहाँ देखकर वापस चली जाती है। उसके बाद ग्रेगरी को दिखाया जाता है, जो ट्यूना के डैड मार्टिन को फॉलो करते हुए एक लेडी के घर जाता है, जिसके साथ मार्टिन का अफेयर चल रहा होता है। मार्टिन यहाँ से वापस जाने के लिए कार में बैठता है, तभी ग्रेगरी कार के पीछे अपने ट्रक लगा देता है, जिससे मार्टिन को गुस्सा आ जाता है। उस पर चलाते हुए उसके ट्रक के पास जाता है, तभी ग्रेगरी वहाँ पर उसे मार डालता है और उसके सर को काट कर एक बड़ा सा आइसक्रीम बनाकर उस लेडी के पास जाता है, जिसे देख कर वह चिल्लाने लगती है और ग्रेगरी उसे भी जान से मार डालता है। दूसरी तरफ जॉनी के पेरेंट्स फोटो लेने के लिए शॉप पर जाते हैं, तभी जॉनी की माँ उसमें खून को देख लेती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद स्मॉल पॉल को दिखाया जाता है, जो ग्रेगरी को अपना आइडल मानने लगता है। इसके साथ ही ग्रेगरी उसे अपनी तरह टेस्टी आइसक्रीम बनाना सिखा रहा होता है। सर को पता चलता है कि नर्स बर्टन मिसिंग वेल नाम के एक प्राइवेट मेंटल इंस्टीट्यूट में काम करती थी, इसलिए वो चेक करने के लिए उस मेंटल क्लिनिक पर जाते हैं, जहाँ पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि ग्रेगरी उनका एक पेशेंट था। ग्रेगरी का क्लिनिक में इलाज हुआ था। जब ऑफिसर इस क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो उन्हें क्लिनिक की हालत बहुत खराब दिखाई देती है, जहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता और सभी पेशेंट पागलों की तरह हरकत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पेशेंट इनके साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी तरह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जॉनी और उसके दोस्त रात के समय साइकिल चला रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद वो ट्यूना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो ट्यूना को पकड़कर फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। ट्यूना को बचाने के लिए जॉनी अपने भाई के पास जाकर हेल्प मांगता है। इसके बाद उसका भाई उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेगरी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम किंग के बारे में बता रहा होता है, तभी जॉनी अपने भाई के साथ यहाँ पर आ जाता है। वो लोग अंदर जाने लगते हैं और बाकी सभी को कार के अंदर वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन अब ग्रेगरी को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था, इसलिए वो
स्मॉल पॉल को फैक्ट्री के अंदर नीचे जगह में छुपा देता है, खुद वहाँ पे अंधेरे में जाकर छिप जाता है। जेकब स्मॉल पॉल और ट्यूना को ढूंढने के लिए जैसे ही अंदर जाता है कि ग्रेगरी पीछे से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद एक ग्रेगरी खुद जेकब का ड्रेस पहनकर बाहर आकर उसके साथ कार में बैठ जाता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी ग्रेगरी जेकब की गर्लफ्रेंड को मार देता है और स्मॉल पॉल भी ये देखकर हंस रहा होता है। जॉनी और हैदर यहाँ पुलिस की गाड़ी देखकर उसके पास जाते हैं। तब उनको वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर की कटी हुई डेड बॉडीज दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं। लेकिन तभी ग्रेगरी अपने दोनों हाथों में पुलिस ऑफिसर की कटे हुए सर के साथ वहाँ जाता है। इसे देखकर दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद ग्रेगरी भी उनका पीछा करने लगता है। तब स्मॉल पॉल जॉनी और हैदर को देख लेता है, जिसके बाद उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर नर्स वर्न चेक करने के लिए बाहर आती है। तब ग्रेगरी उसे वहाँ पर दिखाई देता है। पूछने पर ग्रेगरी इसे बताता है कि वह पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। इसके बाद वर्टन अपने रूम में चली जाती है। तभी जॉनी और हैदर हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि ग्रेगरी उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब वर्टन को लगता है कि ये दोनों बच्चे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, इसलिए वो दोनों को अपने घर में छुपा लेती है। तभी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले तीन बच्चे मिसिंग हुए हैं। इसके बाद दोनों ऑफिसर को ग्रेगरी पर शक होता है। अब ट्यूना फ्रिज से बाहर आकर ट्रक से निकलने की कोशिश करता है। तभी ग्रेगरी उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। लेकिन अब दोनों ऑफिसर भी आ जाते हैं और ग्रेगरी पर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन फिर ग्रेगरी ट्रक के अंदर छुप जाता है। दोनों ऑफिसर जैसे ही उसे खोजने जाते हैं, ग्रेगरी ऊपर से उन पर आकर अटैक कर देता है और उनको बेहोश कर देता है। वर्टन बच्चों को ग्रेगरी के हवाले कर देती है, क्योंकि वो भी एक पागल ही होती है। ग्रेगरी दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन तब स्मॉल पॉल आइसक्रीम किंग की एक फोटो लेकर वहाँ जाता है। ग्रेगरी उसको आइसक्रीम किंग समझता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी स्मॉल पॉल वो फोटो एक मिक्सिंग मशीन के पास रख देता है और ग्रेगरी ये फोटो लेने जाता है। स्मॉल पॉल उस मिक्सिंग मशीन को ऑन कर देता है, इससे ग्रेगरी गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और सभी की जान बच जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि ग्रेगरी के साथ इतने दिन रहने के कारण स्मॉल पॉल को मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत वैसा ही बिहेव करने लगता है और वो आइसक्रीम बना रहा होता है। और यही पर मूवी खत्म हो जाती है।